पंजाब एनआरआई टीवी चैनल देख रहे दर्शकों का मैं सोनिया स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करते हैं जिथे कौमांतरी मुद्रा कोष यानी कि IMF का मानना है कि भारत में लागू किए 3 खेती कानून देश में खेतीबाड़ी सुधारों अगे बढ़ाने लिए महत्वपूर्ण कदम ने। हालांकि IMF ने कहा है कि नवी प्रणाली अपनाने की प्रक्रिया दौरान समाजिक सुरक्षा का प्रबंध किया जाए क्योंकि जे इस दे माड़े असर सामने आने तो उन्होंने नुकसान ना हो। IMF ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उधर इंडोनेशिया विच भूचाल के तेज झटके महसूस किए गए ने। रिक्टर स्केल से भूचाल की तीव्रता 6.2 है। इस भूचाल नाल हुण तक घट्टो घट 7 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि सैकड़े लोग जख्मी हुए ने। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। तमिलनाडु दौरे तो बाद अज यानी कि शुक्रवार को राहुल गांधी किसानों के समर्थन च दिल्ली दियां सड़कां ते उतरणगे। किसान अधिकार दिवस की अगवाई करते हुए राहुल गांधी गवर्नर हाउस तक विरोध मार्च कढ़णगे। जानकारी लई दस दईए कि कांग्रेस की अंतरिम प्रधान सोनिया गांधी ने ऐलान किया सी कि 15 जनवरी नूं कांग्रेस हर सूबे दे पार्टी हैडक्वार्टर च किसान अधिकार दिवस मनाएगी। यह किसानों के समर्थन च एक जन अंदोलन होवेगा जिसके अधीन तीनों नवे खेती कानूनों नूं रद्द करन दी मंग भी की जाएगी। खेती कानूनों विरुद्ध आज कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है जिसकी कमान राहुल गांधी संभालेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, देश दे अन्नदाता अपने अधिकारां लई हंकारी सरकार विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे ने। आज पूरा भारत किसानों ते अत्याचार अते पेट्रोल डीजल दियां वधदियां कीमतां विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। तुसी भी जुड़ो अते इस सत्याग्रह दा हिस्सा बनो। दसन योग है कि राहुल गांधी ने 3 खेती कानूनों दे मुद्दे नूं लैके भी केंद्र सरकार ते निशाना साध्या अते दोष लगाया कि सरकार किसानां नूं बर्बाद करन दी साजिश रच रही है। उन्हें यह भी कहा है कि कांग्रेस किसानां नाल खड़ी रहेगी। अते खेती कानूनों के विरोध में अज फगवाड़ा विखे भारतीय किसान यूनियन दुआबा ते होर जथेबंदियों के सहयोग नाल ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया। यह ट्रैक्टर मार्च दाणा मंडी तो शुरू होया। इस मार्च विच वड्डी गिनती च ट्रैक्टर शामिल होए ने। यह ट्रैक्टर मार्च फगवाड़ा दी दाणा मंडी तो हुंदा होया वख-वख बाजारां विचों दी होके मुड़ फगवाड़ा दी दाणा मंडी विखे पहुंचेगा। इस मौके मार्च दे मद्देनजर फगवाड़ा पुलिस वल्लों सुरक्षा दे सख्त प्रबंध किए हुए ने। इस ट्रैक्टर मार्च विच विशेष तौर ते नौजवान वड्डी गिनती च शामिल होए। इत्थे भी खास तौर ते दसन योग है कि किसानां वल्लों केंद्र सरकार ते दबा पाउण लई 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली दियां वख-वख सरहदां ते ट्रैक्टर मार्च करन दा ऐलान कीता होया है। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ NRI TV ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +1 929 338 8833 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। देश दुनिया की हर खबर ते नज़र रखने दे लई हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉग इन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते तेसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट ते।